नमस्कार, मैं हूं काजल रस्तोगी और आप देख रहे हैं WNN 360। ओम फो, क्या धर्राटे काट दिए भैया। प्यार मांगोगे शमशीर देंगे, अधिकार मांगोगे चीर देंगे। बाकी रही बात आका माका सड़ाका की, वो तो हमें विरासत में मिला है। पहले जरा इस वीडियो को देखें, उसके बाद मैं अपनी बात आगे रखता। हालात ही कुछ ऐसे थे जहां महिलाओं के साथ लाठी घूंसा सब चल रहा था, और चले भी क्यों ना, जिन्हें न तनख्वाह मिली और न कोई गारंटी। तो ऐसे भूखे लोग इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था में सिर्फ शांतिपूर्ण धरने के अलावा कर ही क्या सकते। वैसे वीडियो में तो जो दिख रहा होगा उसको अलाधिकारियों ने नकार दिया कि ऐसा कुछ हुआ नहीं, और समाज की जो आंख है वो अपने बिग बॉस को नाराज कैसे कर देते। तो वो तो वैसे भी बेचारे कवरेज पर जाते हैं तो मूक बधिर वाले कार्यक्रम ही कवरेज कर पाते हैं। कई थानों की फोर्स थी, प्रदर्शन स्थल पर महिलाएं भी बहुत थीं, लेकिन बेचारी पुलिस के पास कोई महिला कांस्टेबल थी नहीं, तो भर्ती किस लिए कर रखा है। लेकिन रणबांकुरों ने स्वयं मोर्चा संभाला, लेत तेरे की धत तेरे की, अरे गजब है बाबा जी। थाने में महिला डेस्क बनवाओ, फिर उन्हीं बेकसूर जमीन पर बैठे हक की मांग कर रही बेटियों पर लाठी चलवाओ, और तब अपने आप को अग्निवीर कहलवाओ। क्या मामला है, किस वजह से लाठी चार्ज हुआ था सर? यहाँ हम लोग अपनी मांगों को लेके हड़ताल पर बैठे हुए थे नियम से सर, ना कोई किसी चीज़ों का विरोध कर रहे थे, ना तोड़ फोड़ कर रहे थे, ना कुछ कर रहे थे सर। बस यहाँ पे जब गाड़ियाँ बाहर निकलने लगी, हम लोग किसी का विरोध कर रहे थे सामने आके बैठे सर। इन्होंने लाठी चार्ज किया व मार पीट की, कोई भी महिला पुलिस होने के बावजूद इन्होंने हम लोगों के ऊपर पैर। किन लोगों ने लाठी चार्ज किया सर? पुलिस। आपको भी लाठी पड़ी है जी, पैर से आपको मारा था जी। मौके पर कोई अधिकारी यहाँ पे मौजूद थे? सारे अधिकारी दौड़ाया था हम लोगों को ऊपर से। जब हमने बोला कि ऑप्शन मतलब ऑब्जेक्शन किया, तो बोले कि इन लोगों के वीडियो बनाया जाए और इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। सबूत देखना चाहते हैं तो ये देखिए सर, और पीछे बैग पे हम लोगों के पड़ा हुआ है।